इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे आप बिना कोई खास स्किल्स के भी आसानी से इंटर्नशिप्स हासिल कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले आप बिजनेस स्टैंडर्ड की इस हेडलाइन को देखो, जहां बताया गया है कि भारत के सिर्फ 45% ग्रेजुएट जॉब सीकर्स ही एम्प्लॉयबल है। ये दिखाता है कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम जो स्किल्स सिखाता है और जो स्किल्स इंडस्ट्री को चाहिए उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। एंड इस डिफरेंस को तभी मिनिमाइज किया जा सकता है जब आप कंपनीज के साथ इंटर्नशिप करो, फर्स्ट हैंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करो। पर बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि जब तक उनके पास जॉब रेडी स्किल्स नहीं होंगी, जब तक उनका रिज्यूमे पूरा भरा नहीं होगा, तब तक उन्हें कोई इंटर्नशिप का चांस नहीं देने वाला है। इनफैक्ट यू मे बी द वन जिसने ऑलरेडी कई जगह इंटर्नशिप के लिए ट्राई किया होगा पर आपको रिजेक्शन हाथ लगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपके इंटर्नशिप पाने के चांसेस 10x हो जाने वाले, वो भी बिना किसी इंडस्ट्री लेवल स्किल के। दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट की माने तो टीयर 2, 3 और 4 के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ने वाले जस्ट 1 out of 10 स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल होते हैं। एंड द रीजन इज प्रीटी क्लियर, क्योंकि टीयर 1 के बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंटर्नशिप्स देने वाली काफी कंपनीज आती है और यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को कॉलेजेस से ही इतने कनेक्शंस मिल जाते हैं कि उन्हें किसी ना किसी कंपनी में तो वो इनिशियल किक मिल ही जाता है। पर लो टीयर सिटीज के कॉलेजेस में कंपनीज रेयरली ही विजिट करती है और आपके पास कोई नेटवर्क एंड कनेक्शन भी नहीं होते। अगर आप भी इनमें से एक हो देन डोंट वरी, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा 3-step फॉर्मूला बताने वाला हूं जो आपको डेफिनेटली इंटर्नशिप दिला देगा। एंड द बेस्ट थिंग इज ये पूरा प्रोसेस आप घर बैठे कर सकते हो। स्टेप 1 है फाइंडिंग द राइट कंपनीज। सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप फाइंड करते समय करते हैं वो है हाई एक्सपेक्टेशंस। सी, अगर आपके पास कुछ हाईली रेलेवेंट स्किल्स नहीं है तो गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज तो आपको इंटर्नशिप ऑब्वियसली नहीं देने वाली, और आपके पास रिज्यूमे में दिखाने के लिए कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है कि आप ऐसी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज को अप्रोच कर पाओ। द पॉइंट इज आपको ऐसी कंपनीज फाइंड करनी है जिन्हें सच में आपकी जरूरत हो, और इसके लिए बेस्ट कंपनीज होती है स्टार्टअप्स जिनके पास लिमिटेड पैसा होता है या जिन्हें रिसेंट में फंडिंग मिली होती है। पर आखिर इन्हें फाइंड कैसे करें? वेल गेस करो, आज के समय आपको सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स का ज्ञान कहां मिलता है? बिल्कुल सही सोचा, शार्क टैंक इंडिया पर। आपको सिंपली शार्क टैंक इंडिया की वेबसाइट पर जाना है और यहां शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 सर्च करना है, क्योंकि यही सबसे लेटेस्ट वाला सीजन है। यहां आपको उन सारे स्टार्टअप्स की लिस्ट मिल जाएगी जो रिसेंट में शार्क टैंक इंडिया पर आए थे। इवन आप ये भी जान सकते हो कि वो स्टार्टअप्स क्या करते हैं और उन्होंने कितनी फंडिंग रेज की थी। अब यहां आपको पेन एंड पेपर उठाना है और उन सारे स्टार्टअप्स की लिस्ट बना लेनी है जिनके साथ इंटर्नशिप करने में आपको इंटरेस्ट है। सिर्फ शार्क टैंक इंडिया नहीं बल्कि इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स है जहां आपको ढेर सारे स्टार्टअप्स मिल जाएंगे, जैसे कि इनट्रैकर, जहां डेली बेसिस पर बिजनेस एंड स्टार्टअप से रिलेटेड न्यूज आती रहती है कि स्टार्टअप ने कब फंडिंग रेज की है। इससे जुड़ी न्यूज के बेसिस पर आप इजीली कुछ स्टार्टअप्स को अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो। ऐसे ही वेल फाउंड पर भी आपको फॉर जॉब सीकर्स नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसे क्लिक करने पर आपको ब्राउज जॉब सिलेक्ट करना है एंड आपको बहुत से स्टार्टअप्स और अवेलेबल जॉब्स के बारे में पता लग जाएगा। आई वुड रिकमेंड कि आप 10 से 15 ऐसे पोटेंशियल स्टार्टअप्स की लिस्ट बनाओ जहां आप इंटर्नशिप करना चाहते हो। दोस्तों आईटी फील्ड में मास ले ऑफ होने के बाद भी जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है वो बोल रहा है आईटी फील्ड में ही करियर बनाओ, यही तुम्हें गरीबी से बाहर निकालेगा। ये क्लिप देखो। एंड लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग नेगेटिवली अबाउट आईटी वर्ल्ड। आई एम टेलिंग यू इट इज रियली वर्थ इट इवन टुडे इन 2024 इफ यू आर अ न्यू पर्सन, इफ यू आर अ फ्रेशर और इफ यू आर एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। You can make a good career. You अगर आप भी IT फील्ड में हाई पेइंग करियर बनाना चाहते हैं तो ये जान लो एक एवरेज पाइथन डेवलपर की सैलरी इंडिया में जो फ्रेशर है 5.6 lakh पर एनम होती है और एक्सपीरियंस डेवलपर की 6 से 10 lakh पर एनम तक होती है। AI एंड मशीन का बूम चारों तरफ है, इसी वजह से पाइथन डेवलपर्स की डिमांड 300% तक बढ़ गई है, क्योंकि मशीन लर्निंग, AI, डेटा साइंस के लिए टॉप कंपनीज पाइथन को प्रेफर करती है। गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, कोरा, रेडिट जैसे टॉप कंपनीज में AI ML डेटा साइंस खूब यूज होती है। इसके लिए ये पाइथन लैंग्वेज को यूज करते हैं क्योंकि पाइथन सिंपल और रिलायबल है, बहुत सारी पावरफुल लाइब्रेरीज है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट है, इजीली इंटीग्रेट हो जाता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए बेस्ट है, इसीलिए AI ML में प्रेफर किया जाता है। ये देखो naukri.com पे अगर आप पाइथन डेवलपर सर्च करोगे तो आज के डेट में 42,000 से ज्यादा जॉब ओपनिंग चल रहा है। आप किसी से भी पूछ लेना, पाइथन सीखने में बहुत अच्छा लगता है, इसे सीखना बहुत फन और इंटरेस्टिंग है, इजी भी है, आपको कोडिंग से प्यार हो जाएगा। अगर आपको पाइथन डेवलपर बनना है तो स्किल्स या लाया है कंप्लीट पाइथन 0 to Hero बूट कैंप कोर्स, वो भी हिंदी में। यस दोस्तों ये पूरा कोर्स हिंदी में बनाया गया है, 200 लेक्चर्स हैं। इसमें 20 घंटे का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगा, 18+ कोडिंग एक्सरसाइजेस मिलेंगे। चाहे आप पाइथन में बिगिनर हो या एक्सपर्ट हो, दोनों लोगों के लिए ये कोर्स है। इसमें बेसिक से एडवांस सब कवर किया गया है। इसमें पाइथन को यूज करके एप्लीकेशंस क्रिएट करना, गेम बनाना ये भी सीखोगे आप। ये कोर्स पाइथन प्रोग्राम में आपको 0 to Hero बना देगा। इस कोर्स के ट्रेनर सारा है जिनके पास 4 years का सॉफ्टवेयर डेवलपर और ट्रेनर का एक्सपीरियंस है।
वैसे तो दोस्तों इस कोर्स का प्राइस 1600 है, बट स्किल्स या सब्सक्राइबर्स के लिए फर्स्ट 150 लोगों को मिलेगा 60% ऑफ लिमिटेड टाइम के लिए। बस आपको SPL60 कूपन कोड यूज करना है और ये 1600 का कोर्स आपको मिल जाएगा केवल 698 रुपीज में। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर लो। बाकी मैं बढ़ता हूँ स्टेप नंबर 2 पर, जो है फाइंडिंग द कॉन्टैक्ट्स। दोस्तों अब हमें अपनी सिलेक्टेड कंपनीज की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है, जिससे कि हम वहाँ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर पाए। नाउ फॉर मोस्ट ऑफ यू ये प्रोसेस का सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है, क्योंकि शायद आपको लगता है कि कंपनीज और वहाँ के लोगों की इन्फॉर्मेशन पब्लिकली कहाँ ही मिलेगी। चलो आज मैं आपका ये मिथ लाइव तोड़कर दिखाता हूँ और आपको ऐसे अमेजिंग तरीके बताता हूँ जहाँ से आपको किसी भी कंपनी की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाने वाली है। एग्जाम्पल के लिए शार्क टैंक इंडिया में आए स्टार्टअप नियॉन अटैक को लेते हैं, जो पर्सनलाइज्ड नियॉन साइंस बनाते हैं। आपको जस्ट गूगल खोलना है और नियॉन अटैक सर्च करना है, जिसके बाद आपको इनकी वेबसाइट मिल जाएगी। अब इसको ओपन करो और पेज पर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन फाइंड करो, जो मोस्ट प्रोबेबली साइड बार मेन्यू में या पेज के बिल्कुल नीचे मिल जाता है। इसे क्लिक करते ही आपके सामने कंपनी के एड्रेस से लेकर कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी सब मिल जाता है। सरप्राइज हो गया ना? अगर हाँ तो अभी ये एंड नहीं हुआ है। नियॉन अटैक का एग्जाम्पल ले तो लिंक्डइन पर नियॉन अटैक सर्च करते ही आपको इनका पेज मिल जाएगा। आपको इसे ओपन करना है और सबसे पहले जॉब्स के सेक्शन पर जाना है। एज यू कैन सी ये स्टार्टअप करेंटली 2 पोजीशंस के लिए हायरिंग कर रहा है। फिर पीपल के सेक्शन पर जाना है, जहां आपको कंपनी से जुड़ी कई मेंबर्स के पेजेस मिल जाएंगे। आप इन्हें फॉलो करके कंपनी के बारे में जान सकते हो और थोड़ा बहुत इंटरेक्शन करके कनेक्शंस भी बना सकते हो। कई बार तो आपको इनकी फीड पर ही हायरिंग पोस्ट मिल जाएंगी। सिमिलरली हम एक और स्टार्टअप लेते हैं, क्राइजन बायोटेक, जो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की फील्ड में काम करती है। गूगल पर क्राइजन बायोटेक सर्च करती आपको सबसे पहले इनकी वेबसाइट मिल जाएगी। एंड सी इनकी वेबसाइट पर तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर के साथ व्हाट्सएप नंबर भी मिल रहा है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्टिंग में कंपनीज को डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप ना करें। बी प्रोफेशनल एंड सबसे पहले उन्हें मेल करो। अपने कंपनीज की जो लिस्ट बना रखी है उसमें हर कंपनी के सामने उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर लो। जिसके साथ हम आते हैं अपने स्टेप नंबर 3 पर, जो है कनेक्ट विद द कंपनी। अब जब आपको कंपनीज का कॉन्टैक्ट मिल गया है तो कनेक्ट करना तो बहुत ईजी है। वेल अगर आप ऐसा सोचते हो तो यू आर टोटली रॉन्ग, बिकॉज यही वो स्टेप है जहां आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन डिसाइड होगा। सो यहां आपको सबसे ज्यादा कॉशियस रहना है, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और यहां आपको जीत की बाउंड्री स्कोर करने के लिए एक ही बॉल मिलने वाली है। सबसे पहले तो आपको सारी कंपनीज को कोल्ड ईमेल्स भेजना है, जहां आपको उन्हें अपने बारे में बताना है और उनकी कंपनीज में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए भी इंक्वायरी करनी है। खुद ईमेल नहीं लिख सकते हो तो चैट जीपीटी की हेल्प लो। आपको सिंपली चैट जीपीटी पर लिखना है, जिसके बाद ये आपको A to Z पूरा मेल लिखकर दे देगा। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे जस्ट कॉपी पेस्ट मत करो, बल्कि इसमें एक पर्सनलाइज्ड टच डालो। इंटरनेट पर सर्च करो कि जिस कंपनी को आप मेल भेज रहे हो वो किस फील्ड में है, आप उस फील्ड से कैसे कनेक्ट करते हो, कंपनी का विजन क्या है, उनके स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स क्या है, उन्हें कौन सी पोजीशंस के लिए एम्प्लॉयज की जरूरत है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप उनके लिए कैसे वैल्यूएबल हो सकते हो। एक प्रो टिप देता हूं, अगर आप शार्क टैंक इंडिया की किसी भी कंपनी को टारगेट कर रहे हो तो यूट्यूब पर आपको उनका वो एपिसोड मिल जाएगा जब उन्होंने शार्क टैंक इंडिया में पिच किया था। इस कंप्लीट वीडियो को देखकर आप पूरी तरह से उस कंपनी के बारे में जान जाओगे और उनके विजन को भी समझ लोगे। अगर वो कंपनी शार्क टैंक से रिलेटेड नहीं है तो भी एक गजब का आइडिया देता हूं। आजकल हर कंपनी अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनाना चाहती है, जिसके लिए वो अपना इंस्टाग्राम पेज जरूर बनाती है। आपको जस्ट इंस्टाग्राम पर जाना है एंड कंपनी के पेज को फाइंड करके उनकी हर एक पोस्ट को डीपली एनालाइज करना है। इन सारी चीजों को अपने मेल में शामिल करो, जिससे कि वो और पावरफुल और इंपैक्टफुल बन जाए। बट व्हाट अबाउट रिज्यूमे, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, आपके पास ना तो उन्हें दिखाने के लिए रेलेवेंट स्किल्स है और ना ही कोई वर्किंग एक्सपीरियंस। ऐसे में आपको अपने रिज्यूमे में वो चीजें ऐड करनी है जिनमें आप अच्छे हो। आपके पास कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं है, पर कोई सॉफ्ट स्किल्स जरूर होगी, जैसे कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडेप्टेबिलिटी एक्सेट्रा। इवन इफ आपके पास कोई हार्डकोर टेक्निकल स्किल ना हो, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टैली, बेसिक कोडिंग लैंग्वेजेस या सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसे स्किल्स है तो आप इन्हें भी जरूर मेंशन करो। आई अंडरस्टैंड कि आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, पर आपने स्कूल या कॉलेज में किसी प्रोजेक्ट पर काम जरूर किया होगा और कुछ असाइनमेंट्स भी जरूर बनाई होंगी। आप ये मेंशन कर सकते हो कि इस प्रोजेक्ट में आपने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, जैसे रिसर्च, राइटिंग, प्रेजेंटेशन वगैरह। और हाँ, वो 100 रुपीज देने वाला कंट्रीब्यूशन नहीं बताना है। जोक्स अपार्ट, पॉइंट ये है कि आपको वो हर चीज बता देनी है जो आपने लाइफ में एक्सपीरियंस और अचीव किया है। पॉसिबल है कि आपने किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया हो, जैसे कि कोई स्पोर्ट हो गया, कल्चरल एक्टिविटी या डिबेट वगैरह। अगर आपका कोई वॉलंटियर वर्क में एक्सपीरियंस रहा है तो ये आपको इंटर्नशिप दिलाने के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। अपनी हर अवार्ड, ऑनर, रिकॉग्नाइजेशन और अचीवमेंट को मेंशन करो जो आपने अपनी एकेडमिक करियर में हासिल किया है। रिज्यूमे का फॉर्मेट चाहिए तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आपने जिन भी 10 से 15 कंपनीज की लिस्ट बनाई है उन सभी को मेल करो और हर कंपनी के लिए सेपरेट एंड पर्सनलाइज्ड मेल लिखने में आलस मत दिखाना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से 2 से 3 कंपनीज तो आपको रिप्लाई जरूर देंगी, क्योंकि स्टार्टअप्स के पास बड़ी कंपनीज की तरह लाखों में मेल्स नहीं आते। एक बार रिप्लाई आ जाने पर आप उन्हें आगे की बात कॉल या व्हाट्सएप पर करने के लिए कन्विंस कर सकते हो, जिससे कि आप उनके साथ बेटर बॉन्ड
बॉन्ड बना पाओ। अब आपको उनके साथ सारी टेक्निकलिटीज डिस्कस कर लेनी है एंड यू आर गुड टू गो। एक और प्रो टिप देता हूँ, आपको ज्यादा स्टाइपेंड के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। इवन इफ कंपनी आपको कोई भी स्टाइपेंड ऑफर ना कर रही हो, अगर वो आपको अपने साथ शामिल होने का मौका भी दे रहे हैं तो बिना ज्यादा सोचे एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज आपके लिए वो पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए जितना वो एक्सपीरियंस होगा जो आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ जुड़कर मिलेगा। आप ना सिर्फ इंडस्ट्री रेलिवेंट टेक्निकल स्किल सीखोगे बल्कि आपके खाते में वो एक्सपीरियंस भी जुड़ेगा जिसकी हेल्प से आप अपनी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आसानी से फाइंड कर पाओगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अब आप कमेंट करके बताओ कि इस वीडियो से आपको क्या नया सीखने मिला और इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो इंटर्नशिप की तलाश में है। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव और पावरफुल वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो स्किल्सिया को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।